हेलो जी, हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। न्यू नहीं है, पुराना ही है। जैसा कि मैंने कल वाले वीडियो में बताया था कि मैंने एक सूट की कटिंग करी थी, पर उस कटिंग का वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था पूरा, और मुझे काफ़ी सारा कमेंट आते हैं। बुलबुल जी और पूनम जी, पता नहीं नाम में इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, बाकी कमेंट मुझे बहुत सारे आते हैं कि दी आप जब भी पटियाला सूट की कटिंग और मतलब करो तो मुझे प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। तो ये वाली क्लिप मैंने कल की ही आज वाले में डाल रखी है। तो ये है मेरा 4 मीटर का कपड़ा और इसके नीचे बनी है बॉर्डर, देख सकते हो आप, रानी कलर का है ये। तो इसमें से सबसे पहले मैंने काट दी है कुर्ती। कुर्ती का साइज अपने हिसाब से हम जैसा रखते हैं, बस कुर्ती में तो कुछ नहीं है ज़्यादा, बाकी मैं आपको दिखा देती हूँ कुर्ती की कटिंग किस तरीके से कर रखी है। और मेन इसमें पटियाला सूट में सबसे मेन ज़्यादा होता है पटियाला का घेर, जी हाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसमें घेर लगता है। और किसी किसी को सिलना सही आता या नहीं आता मुझे नहीं पता है, लेकिन बट मैं जैसे सिलती हूँ वैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस पटियाला सूट की कटिंग कैसे करी थी। मैं जब भी अपने पटियाला सूट बनाती हूँ तो 4 मीटर कपड़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर कुर्ते की कटिंग मैंने कर दी है। फ्रंट और बैक में थोड़ा सा गले का डिफरेंट रखा है, पीछे थोड़ा सा बड़ा रखा है और आगे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि मैं ये सूट सारे जितने भी सिल रही हूँ ना, ये सब गर्मी में पहनने के लिए, और गर्मी में तो आपको पता है ये कम्फर्टेबल चीज़ चाहिए पहनने में घर में। तो जब मतलब अभी तो नहीं पहनती हूँ, लेकिन जब फुल गर्मी आ जाएगी ना तब तो मैं डेली वेयर में सूट ही पहनती हूँ। मतलब मेरे हिसाब के ऊपर है, जब मेरा मन करे तब मैं जो चीज़ पहन लूँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अब चल रही है पटियाला कटिंग। तो इसका बॉर्डर है तो बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग करनी पड़ेगी। तो जो हमारा पल्लू है, मेन पल्लू वो पटियाला सूट का पल्लू, उसकी चौड़ाई मैंने 18 इंच रखी है, और जो आपनी आपकी लंबाई है, जैसे मेरी 40 इंच लंबाई है, ऊपर हमने 7 इंच का बेल्ट लगाना है, तो उस लंबाई को छोड़ने के बाद में ये वाला कट कर दिया है मैंने। ये मेन फैब्रिक है हमारा, मतलब 18 इंच के 2 पल्ले लिए हैं मैंने। इसी में साइड में 2 कलियाँ लगेगी, एक इधर लगेगी एक इधर लगेगी, उसी में हमारा घेर बनेगा, जी हाँ। और ये पल्ला किस हिसाब से लेना है आपको, जितनी आप मोहरी पहनते हो उस हिसाब से आप ये पल्ला ले सकते हो, जितनी हमें मोहरी चाहिए। मैं 8 इंच मोहरी पहनती हूँ तो इसीलिए 16 इंच ले लेती हूँ पल्ला, कभी 18 इंच ले लेती हूँ। हमारी साइड की कटिंग है उसको भी हम कट कर कर दोनों पल्ले को अलग अलग कर लेते हैं, और एक बार मैं मोहरी नाप लेती हूँ। तो ये देखिए मेरी मोहरी बराबर है, 8-8 इंच मोहरी पहनती हूँ मैं। उसके बाद में ये बाकी जो कपड़ा बचा है इसको पूरे को मैं फोल्ड करके अब इसमें से काटूंगी कलियाँ। हाँ सॉरी, इसमें से मैंने आस्तीन पहले कट कर दी थी, वो नहीं दिखाया। 4 मीटर जो कपड़ा है उसमें से मैंने आस्तीन कट कर ली है, और एक कुर्ती कट कर ली है। जो हम कुर्ती में नेक के अंग लगाते हैं पट्टियाँ, वो मैं इसमें से नहीं निकालूंगी। और जो हमने ये पल्ले काटे थे उसमें से ऊपर का जो थोड़ा टुकड़ा बचा था तो उसी में मेरा बेल्ट बन जाएगा, तो मैं इसमें से भी कुछ भी कटिंग नहीं करूँगी। जो मेरा कपड़ा बचा है इसी में सारी में कलियाँ एडजस्ट करूँगी, और जहाँ मुझे छोटा मोटा कपड़ा लगता है वो मैं टुकड़े ले लेती हूँ। फिर उसके बाद में जितना भी हमारा कपड़ा उसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद 8 इंच निशान इधर लगाया है, 8 इंच निशान उधर लगाया है, उसके बाद में दोनों की तरफ से निशान मिलाते हुए हमें इस तरह से हमें कट कर लेना है। ये हमारे 4 भाग हो जाएंगे, क्योंकि ये डबल फोल्ड में कपड़ा है, तो 2 कलियाँ हमारी इधर निकल जाएगी, 2 कलियाँ हमारी इधर निकल जाएगी। पता नहीं है जिस तरीके से मैं कट करती हूँ, मैं पटियाला सूट पहनती हूँ, पता नहीं, मुझे इतना आइडिया नहीं है कि सब इस तरह से कट करते हैं पहनते हैं, क्योंकि हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो मैं इसी तरीके से अपने सूट पटियाला सिलती हूँ, वो मैंने आपको बताया है, बाकी आपकी चॉइस है आप किस तरह पहनते हो। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये सारे डबल डबल है, तो क्योंकि हमें अलग अलग पैर के लिए चाहिए, बाकी मैं आपको एक पैर का करके दिखा रही हूँ। ये हमारा मेन फेवरेट है, और ये 2-2 कलियाँ, एक एक कलियाँ हमें इस तरह से लगानी है। ये देखिए आप इसका एक 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 पल्लू एक वाले भाग में कर सकते हो। और ये हमारा बेल्ट है, हमने इसका बेल्ट की लंबाई रखी है 9 इंच, और क्या बोलते हैं इसकी चौड़ाई रखी है हमने 40 इंच, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा ब्लॉग का चैनल है तो मैं इसमें ज़्यादा घिसट पिसट नहीं कर सकती, बस इसमें मैंने कट कर दिया है, और वो कट मैंने 3 दिन पहले किया था, लेकिन आज आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद में मम्मी और छोटी, जैसे कि मैंने बताया था, आई है। 2 दिन हमने शॉपिंग करी थी, उसका मैंने शूट नहीं किया,
वो मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगी, आप थोड़ा सा सब्र और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए कि मैं कैसे क्या चीज़ एक्सप्लेन करूं। बाकी दो दिन में आपको बता दूंगी। और मम्मी आज हमारी चली गई है और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बजे। जी हाँ, 5 बजे से आज का वीडियो शुरू हुआ है। बाकी मैंने कटिंग वाला वीडियो उसमें डाल दिया था। बाकी आज का हमारा रियल वीडियो 5 बजे से शुरू हुआ है। यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी हो रही है, हस्बैंड जी कुछ हिसाब कर रहे थे, तो यहीं से मैंने अपना वीडियो शुरू कर दिया है। और आज भी हम रतलाम गए थे, बाकी हम 4 बजे ही आ गए थे, इसीलिए मैंने न्यू साड़ी पहन रखी है। उसके बाद में फिर मुझे जो मैंने सूट कट किया था वो मुझे सिलना था, तो मैंने सोचा चलो आज इसका कटिंग कर रखा है, तो मतलब कितने दिन हो गए कटिंग तो कर ही रखा है, तो आज इसको हम सिल देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पहले झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में सिलाई करने बैठ जाऊँगी। और खाने वाने की इतनी टेंशन है नहीं क्योंकि छोटी यही है फ़िलहाल और मम्मी आज चली गई है, तो इसी वजह से आज सुबह से मैंने वीडियो शूट नहीं किया। तो अरे आप एक बात बताऊँ आपको, मतलब है ना व्लॉगिंग करने का मेरा मन पता नहीं अब उब सा गया है, अच्छे से मतलब वीडियो बनाने का शूट करने का मन नहीं होता है, हर चीज़ पता नहीं क्यों एक मन के ऊपर से सब चीज़ें हो रही है। इसी वजह से आज मैंने 5 बजे बाद वीडियो शुरू किया है। मम्मी गई उसका भी मैं शूट नहीं कर पाई, फिर बाद में सोचा कि यार चलो अभी से ही वीडियो शुरू कर देते हैं। तो मम्मी चली गई थी, मतलब 3 बजे निकल गई थी मम्मी, जब हम रतलाम से अब शॉपिंग करके आए थे तो मम्मी निकल गई थी, क्योंकि हम मम्मी को वहाँ खेत में काम होता है, इसी वजह से मम्मी ज़्यादा नहीं रुक पाई। और छोटी इस वजह से रुकी है कि चलो वो भी मैं आपको कल परसों वाले वीडियो में बताऊँगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर छत का भी थोड़ा सा कबाड़ा पड़ा था क्योंकि 2 दिन हमारी शॉपिंग में लगी थी, तो कुछ साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी अच्छे से, तो यहाँ पर कार्टून बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे क्योंकि इतना मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, अभी शॉपिंग में टाइम निकल रहा था इसी वजह से। तो यहाँ पर छत का साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने ऊपर वाले बेड के यहाँ पर। यहाँ पर भी 2-4 दिन हो गए थे ये वाली बेडशीट मैंने चेंज नहीं करी थी, तो सोचा चलो इसको आज चेंज कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर बेडशीट बिछाने के बाद में हम अपने कपड़ों की करते हैं सिलाई। जी हाँ, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल होंगे कि क्या गप्पड़ चप्पड़ वीडियो बना रही है, पर अभी है ना बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या एक्सप्लेन करूं, बट धीरे धीरे सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। चलिए यहाँ पर बेडशीट हमारी सेट हो गई है और ये देखिए पौधा हमने आज लगाया है, मम्मी के हाथों से लगवाया था सुबह मॉर्निंग में, हम इसको खरीद कर लाए थे, प्लांट और पौधा उसी में लगा था, बस इसको ला कर यहाँ पर टांगा है बाहर। और जो हमारी ख़रीदारी थी उसमें से मेन चीज़ ये है, देखिए ये है किट्टू का टिफ़िन और बोतल, जो कि इसके पापा हमेशा बोलते थे प्लास्टिक का टिफ़िन ना दो इसको, प्लास्टिक का टिफ़िन ना दो, तो हम स्टील का टिफ़िन अच्छा सा एक ढूंढ रहे थे, तो ये देखिए हम इसको आज खरीद कर लाए हैं, बहुत ही अच्छा टिफ़िन है ये, 350 रुपये का है। बाकी स्टील और प्लास्टिक दोनों मिक्स है, मतलब प्लास्टिक का इसका सिर्फ ढक्कन के बस साइड में है, बाकी स्टील का टिफ़िन है और बहुत हैवी है और बहुत मजबूत भी है। तो अगर आप भी अपने बच्चों को मेरी तरह प्लास्टिक के टिफ़िन में देते हो तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए और स्टील के टिफ़िन दिया करिए। मेरे हस्बैंड जी को काफ़ी टोकने के बाद मैंने ये चीज़ लाई। नानी जी चले गए, देखो याद आ रही है नानी जी की, तू कितना गंदा हो जाता है, इधर देख। हाँ शवि तू क्यों किट्टू, नानी जी चले गए उनकी याद आ रही तेरे को, क्यों कब गए नानी जी, क्यों रे तू स्कूल से आया तब तक नानी जी चले गए, इधर देख इधर देख इधर तो देखो, तू स्कूल से आया तब तक नानी जी चले गए, देखो आ रही नानी जी की याद, देख चेरी कहीं आई भी, देखो आ रही है, तो कैसे आ रही नानी जी को याद ही नहीं करता, तू स्कूल से आने के बाद तूने पूछा ही नहीं नानी जी कहाँ गए मेरे। तो चलिए बच्चे दोनों अपने कामों में बिज़ी है, तो फिर मैं आ गई थी ऊपर और यहाँ पर मैंने एक जो पिंक वाला सूट कट किया था परसों के दिन वो मैंने आज सिल दिया। उसके बाद एक ये कुर्ता का कपड़ा था इसको भी मैंने कट कर दिया है और इसको मैं सिल रही हूँ नायरा पैटर्न में। तो सिलते सिलते मुझे रात हो गई थी, तो फिर मैंने मशीन थोड़ा इधर कर दिया और बल्ब के नीचे, और यहाँ पर मैं सिलाई करने लग गई हूँ। हालाँकि ये टाइम मेरा खाना बनाने का होता है, बट आज छोटी है तो कोई टेंशन ही नहीं है। और इस वाले सूट की मैंने कटिंग का, जैसे कि मैंने बोला है, शूट नहीं किया था, बाकी इसका स्टिचिंग का मैं आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, अगर आप भी कुछ इस तरीके से कपड़े पहनते हो तो कुछ कुछ आइडिया लग जाता है,
कुछ भी देख लो छोटी मोटी चीज़। तो ये देखिए नायरा कट का लिया है मैंने, इसके ऊपर की चोली ली है मैंने 16 इंच बस, और उसमें ना आगे थोड़ी डिज़ाइन रखी है मैंने, लेस की ही लगा दी है। और ये वाला हमें घेयर में चाहिए, तो ये वाले जो कपड़े हैं इसकी पहले फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर मुझे लेस लगानी है। ये देखिए फोल्ड हो गया है, फोल्ड होने के बाद में मुझे लेस इतनी मोटी नहीं मिल पाई जितनी मुझे चाहिए थी, पतली लेस मिली, तो इसको ही मैं डबल कर कर लेस लगा देती हूँ। और ये देखिए हमारी चोली और ये हमारे नीचे का जो कपड़ा बचा था उसकी मैंने कलिया कर कर कुछ इस तरीके से कपड़ा पूरा सेट होगा और हमारी नायरा कुर्ते बन जाएगी। वो सूट सिलाई करे तब तक छोटी ने यहाँ पर खाना बना दिया था, जो मैंने साफ करी थी सब्जी मेथी की वो तो नहीं बनाई क्योंकि उसको इतनी पसंद नहीं मेथी की सब्जी, यहाँ पर इसने बना दिया है गिलकी, भरवा गिलकी। तो आ जाइए आप सभी हमारे साथ खाना खाने के लिए हमारी फैमिली के साथ में। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब चेरी इतना क्यूट है ना कि इसको है ना डाल के यहाँ पर चूंटियाँ भरे बिना रहा ही नहीं जाता है। तो ये छोटी इसके साथ मस्ती कर रही है। फिलहाल हम खा लेते हैं खाना और आपको दिखाते हैं सूट जो हमने सिलाई करी है। मैं तो नहीं पहन के दिखाऊंगी क्योंकि मैंने पहनी है साड़ी और साड़ी के ऊपर सूट अच्छे से मतलब पहन नहीं पाती हूँ मैं, तो छोटी को ही पहना कर मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैंने कुर्ता सिला है, ये मेरे नाप का, इस वजह से इसको थोड़ा लूज़ है और इसके नीचे का फैब्रिक मैं नहीं लाई थी, बस ये कुर्ते का कपड़ा मुझे 100 रुपये में 2 मीटर मिल गया था, तो फिर मैं ले आई थी इसको और इसको मैंने नायरा पैटर्न में सिला है। तो अब आप बताना कैसा लग रहा है आपको, मुझे फ़िलहाल अभी मैंने पहना नहीं है, पता नहीं कैसा है। बाकी ये देख सकते हो आप, इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। नीचे इसने जींस वेयर कर रखी है, ये वाला पहन के देखो, ये हमारा है लेकिन हम साड़ी कब खोले उनका पहन के दिखाए। ये वाला देखते हैं, ये भी मैंने आज ही सिला है। मेरी हालत देख सकते हो, मेरे आँखों में इतनी भयंकर नींद आने लग गई क्योंकि ये काम करते करते मुझे कितना लेट हो गया है। चलो दूसरा वाला भी पहन लिया, ये भी दिखाते हैं आपको। सब काम करते करते मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और ये है हमारा पटियाला सूट जो हमारा बनके कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है, फुल गेयर। वही ये हम ठान लो मन में तो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे इतना कुछ नहीं आता था लेकिन वही ये कि हमने बस देख देख कर ही सब कुछ सीखा है। जो हम ठान लेते हैं वो चीज़ अगर हम करना चाहो तो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके सामने रिज़ल्ट है, दोनों सूट तैयार करके आपको दिखा दिए हैं। और अगर आप भी सिलाई करते हो तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिलिए, पहनिए क्योंकि ये हमारा हाथ का हुनर है। चलिए इस वीडियो में यहीं से लेते हैं आप सभी से अलविदा, वीडियो यहीं करते हैं एंड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार को चैनल पर आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे आप सभी को।